हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेविंस्टीन का लॉ ऑफ मॉडल। तो लॉ ऑफ मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपके ज्योग्राफी के सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रहता है। ये आपकी ज्योग्राफी के पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो आपकी आती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आपका बिलोंग करता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में ये क्लियर कट व्यू आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा और लॉ ऑफ माइग्रेशन रेविंस्टीन का मॉडल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी। ज्योग्राफी के सभी कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है ये चैनल, राइट। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, तो आप सभी जानते भी होंगे, मैं अनकेडमी पे एजुकेटर भी हूँ, आप सभी कुछ ने फॉलो भी कर रखा होगा। दूसरा, एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसके माध्यम से आपको जो भी ये पीडीएफ्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये जो भी कॉन्सेप्ट उनके पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई आपको पेमेंट यहां पर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल, सभी कंटेंट आपको मिल जाए, इसके लिए ही ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप बने रहें और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले मैं अपने कुछ रेविंस्टीन के बारे में बताऊं, तो रेविंस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन मॉडल है वो आपका लॉ ऑफ माइग्रेशन मॉडल रेविंस्टीन के द्वारा 1885 में फर्स्ट अटेम्प्ट आपका दिया गया था। मतलब कि जो ओरिजिन मान सकते हैं 1885 में आपका रेविंस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन मॉडल आया था। ये किसकी क्या इनके यूज किया गया था, तो इन्होंने बर्थ प्लेस जो डाटा होते हैं ना, बर्थ प्लेस डाटा को ऐड किया और आइडेंटिफाई किया और उनको कुछ जनरलाइजेशन किया। मतलब कि उनको जनरलाइजेशन किया, जो कौन से क्या जनरलाइजेशन किया, बर्थ प्लेस डाटा को, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक माइग्रेशन मॉडल बनाया, लॉ ऑफ माइग्रेशन। और ये आपका इंटर कंट्री माइग्रेशन जो आपके ब्रिटेन में उस समय होता था, उस ब्रिटेन के माइग्रेशन 19 सेंचुरी में, उसके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ माइग्रेशन पूरा जनरेट किया गया। इसमें क्या क्या फैक्टर हुए, एक तो बर्थ प्लेस डाटा इन्होंने किए, फिर बाद में इन्होंने जनरलाइजेशन किया और वहाँ पर इंटर कंट्री माइग्रेशन ऑफ ब्रिटेन के देखे गए। तो इन तीनों चीज़ों से इन्होंने लॉ ऑफ माइग्रेशन की आज के दिन रखा, ठीक है। अभी जो आपका लॉ ऑफ माइग्रेशन है वो आज के दिन, इवन टुडे आपका आज तक भी ये इम्प्लीमेंट देखा जा सकता है। आज किसी भी कंट्री में, लगभग ये कंट्री में ये इम्प्लीमेंट होता दिखता है। इसके सबसे पहले जो आपके थ्री बेसिक फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के, वो इन्होंने डिस्कस किए। सबसे पहला जो आपका था वो आपका रीज़न और मोटिव। मतलब कि इनका कहने का अभिप्राय ये था कि कोई ना कोई रीज़न होगा किसी भी माइग्रेंट का। अगर कोई माइग्रेंट ए प्लेस से बी प्लेस पर जाता है, तो ए प्लेस से बी प्लेस पे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वहाँ पर दिखती होंगी, इस वजह से वो आपका माइग्रेट करता है, राइट। दूसरा आपका डिस्टेंस का फैक्टर इन्होंने बताया कि माइग्रेंट है वो आपका, अगर डिस्टेंस कम होगा तो आपका माइग्रेंट जल्दी आपका रेडी हो जाएगा वहाँ पर माइग्रेशन करने को। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा जो आपके माइग्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो आपका जेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जेंडर के अकॉर्डिंग कुछ माइग्रेंट आपके रहते हैं, जैसे कि आपकी फीमेल हुई, फीमेल आफ्टर मैरिज आपकी माइग्रेट करती है, ये आपको सभी को पता ही होगा। दूसरा आपका कल्चर के अकॉर्डिंग भी, तो कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके माइग्रेशन के लिए आप बेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके इन्होंने थ्री बेसिक फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन डिस्कस किए इस थ्योरी में। दूसरा, इन्होंने कुछ आपके पॉइंट्स रखे जो अप्लीकेबल भी देखने को मिलते हैं, उनको एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट रखा कि जो भी आपका इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है डिस्टेंस और वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन, यानी कि कहने का अभिप्राय ये था इनका कि अगर डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी जो माइग्रेशन है वो आपका कम हो जाएगा, राइट। अगर आपका डिस्टेंस है वो कम होगा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो आपकी माइग्रेशन है वो आपका ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय इनका ये था कि ये दो कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं, अगर आपका माई डिस्टेंस कम होगा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी तो माइग्रेशन वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे ज़्यादा लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट हैं वो जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वो आपके कॉमर्स रिगार्डिंग हो या इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हो, वो आपके लिए वो वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो माइग्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, आपको पता है
एक जो आपका एक पर्सन है, पर्सन आपका पहले तो आपके टाउन में जाएगा, फिर बाद में आपको वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, तो आपकी जो मेट्रोपोलिटन जो भी आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका जाएगा। तो एक तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में आता है, यहाँ पर आपकी देखा जा सकता है। स्टेप ऑफ स्टेप माइग्रेशन में अगर बात करें तो वन लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन पर अगर जाता है माइग्रेंट, तो आपका कोई ना कोई प्रस्पेक्टिव से जाएगा। अगर उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पर जा सकता है, दूसरा वहाँ पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पर जा सकता है। तो एक तरीके से स्टेप टू स्टेप आपका माइग्रेशन करता है, राइट। अभी जो आपकी इन कंट्री साइड की बात करें तो आपकी जो रैपिडली ग्रोइंग टाउन है वहाँ पर ये क्या कहाँ से आए, आपकी माइग्रेशन करके ही लोग आए। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में आप जो भी माइग्रेशन दे सकते हैं वो कहाँ से आया, बिहार से आया, यूपी से आया, फिर बाद में आपका हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, जो भी आसपास के रीजन्स हैं वहाँ से कुछ लोग माइग्रेशन करके गए, राइट। जो अगर बात करें जो एजुकेशन के प्रस्पेक्टिव से तो आसपास के जो रीजन्स में के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो आपके दिल्ली किस लिए गए, माइग्रेशन करके क्यों गए, क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, वहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है पढ़ने के लिए, दूसरा वहाँ पर कोचिंग्स मिलती हैं, तो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट के वजह से वहाँ पर जाए गए, मतलब कि कुछ ना कुछ गेन करने के लिए वहाँ कुछ आपका माइग्रेशन होता है, स्टेप माइग्रेशन भी होता है, राइट। तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो भी आपका माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन में कुछ काउंटर करंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि काउंटर करंट। जैसे कि अगर बात करें आपकी अभी का कॉन्टेक्स्ट देखें तो कोरोना की वजह से आपके जो भी आपके लेबर थी वो काम कर रही थी वो आपकी दिल्ली से आपके माइग्रेट करके कहाँ पर अपने होम टाउन चली गई। तो होम टाउन इसलिए गई क्योंकि वहाँ पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, खाने के लिए मिलता है, तो इसलिए वो वहाँ से वहाँ माइग्रेट हो गई। तो एक तरीके से माइग्रेशन है वो आपके काउंटर करंट भी देखने को मिलता है, किसी बेटर अपॉर्चुनिटी को देखकर ही माइग्रेशन होता है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें इस थ्योरी में आसपास घूमेगा। जैसे कि अगर बात करें बिहार से आपका दिल्ली क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अभी आपका जो इस कोरोना एपिडेमिक की या COVID-19 की वजह से आपके फिर बाद में जो पर्सन हैं वो आपके फिर से दिल्ली से अपने होम टाउन या बिहार यूपी जहाँ के भी थे वहाँ पर चले गए। तो एक तरीके से काउंटर करंट देखने को मिलती है। रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ आपके मोर मोबाइल मिलते हैं कंपेरेटिव आपके अर्बन एरियाज़। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ पर्सनस हैं जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में लगे हुए हैं वो आपके कुछ इंडस्ट्रियल या कॉमर्स में सेवा प्रोवाइड कराने के लिए माइग्रेशन करते हैं, तो एक तरीके से रूरल एरियाज़ में बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये इसी वजह से आपकी अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके फीमेल्स हैं वो मोर मोबाइल मिलती हैं। यानी कि अगर बात करें आपकी, अगर कोई हरेक महिला या फीमेल आपकी माइग्रेट करती है क्योंकि आफ्टर मैरिज उसको दूसरी जगह पर माइग्रेशन करना पड़ता है, तो फीमेल है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा मोबाइल या माइग्रेशन कौन करता है, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करें तो वो अलग मैटर होता है, लेकिन अगर आपके जेंडर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप फीमेल टिक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। माइग्रेशन है वो हाईली आपका एज सिलेक्टिव मिलता है। एज सिलेक्टिव की बात करें तो आपकी जो भी 21 से लेकर 35 या 40 जो एज ग्रुप है, 35 या ये एज ग्रुप आपका ज़्यादातर जो पर्सन है वो वर्किंग एज ग्रुप से मिलते हैं, वर्किंग एज ग्रुप से ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, तो ये एज ग्रुप आपका सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करता है, ये आपको खुद को पता है। तो हाईली एज सिलेक्टिव इन्होंने बात रखी। सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो सेवन्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन है वो इंक्रीज होता है अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, मतलब कि डाइवर्सिटी इस वजह से कह सकते हैं कि डाइवर्सिटीफिकेशन इस वजह से कि अगर क्या किसी जगह पर रूरल एरिया में अगर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वहाँ पर पैसे की कमी है, वहाँ पर उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, तो ये अगर कंडीशंस होंगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा हुई, राइट। अभी जो आपके अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में आपका खाने को भी है, आपके वहाँ पर इनकम भी जनरेट होगी, सोशल सिक्योरिटी भी है, सभी चीज़ें वहाँ पर अगर बेटर मिलेंगी तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से कंडीशंस होती हैं। अभी
सभी जो माइग्रेशन होते हैं लगभग आपके इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से किए जाते हैं। फिर ये आपके फीमेल को छोड़ दिया जाए तो आपके जो भी मेल आपका माइग्रेशन करते हैं वो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से करते हैं, चाहे क्यों ना स्टूडेंट ही हो, स्टूडेंट भी स्टूडेंट्स को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। वहाँ पर आपके यूपीएससी क्लियर कर लिया, वहाँ पर नेट क्लियर कर लिया, तो ये एक तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस वजह से हम माइग्रेशन करते हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से हम माइग्रेशन करते हैं। अगर माइग्रेशन का जो ट्रेंड है वो आपका डिक्लाइन करने लगे, वो किस वजह से? इंक्रीजिंग डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि आपका अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन लोग कम करेंगे। तो ये एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर नज़दीक में जो जो भी आपके नियर बाई जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पर ही पर्सन जाने को खुश रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्टेबल रहेगा। अब ये जो भी आपके एविडेंस है, ये सारे के सारे जो 8 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, 8 से 9 पॉइंट्स, ये आज के दिन इंडिया में भी आपके इम्प्लीमेंट होते देख सकते हैं। जनरली अगर बात करें तो कुछ करंट्स भी उठती हैं, कुछ आपके काउंटर करंट्स भी होते हैं माइग्रेशन में। तो वो कैसे? आपके कुछ करंट्स की बात करें तो आपके अर्बन से लेकर हम आपके रूरल से अर्बन जाते हैं, फिर बाद में अगर रूरल में कुछ इनसिक्योरिटी मिलती है, जैसे ही कोरोना एपिडेमिक आ गया तो आपके रूरल एरियाज में आते हैं। तो ये एक तरीके से जो आपकी जो है रूरल से अर्बन, ये आपकी करंट है। दूसरा आपका काउंटर करंट, आपका जो ये अर्बन से रूरल में आ गई है, आपका काउंटर करंट है। तो ये एक सिंपलेस्ट वे में आपके साथ ये पॉइंट्स मैंने रखे। अभी एक आपके रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन किस वजह से आपकी माइग्रेशन करती है? तो वो आपके जो लेस डेवलप्ड पार्ट है उनसे करती है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके वहाँ पर प्राइस से मतलब कि आपके लेबर का प्राइस ज़्यादा है, वहाँ पर काम मिल जाता है, इस वजह से वहाँ पर जाता है। तो एक तरीके से बहुत से एस्पेक्ट्स हैं वो आपका अर्बन से रूरल जाता है। तो कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो आपके अर्बन से रूरल भी आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूरल से अर्बन किस लिए जाते हैं? जो मेनली एज ग्रुप है वो आपके सेविंग्स करने के लिए, वहाँ पर कुछ कमाने के लिए। दूसरा माइग्रेशन करता है वो आपके कुछ सरप्लस या उसके कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, प्रोसेस्ड फूड मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, तो वो सभी चीज़ें आपकी हैं, आपकी वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिखती हैं। इस वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके रूरल से अर्बन ले जाने में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी अर्बन से रूरल की बात करें तो जो पर्संस हैं वो अर्बन से रूरल इस वजह से आते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आ सकते हैं, कुछ काउंटर माइग्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी COVID-19 की वजह से हुआ, फ्रेश प्रोड्यूस की वजह से भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी पेशेंट्स हैं या फिर जो परेशान हुए हैं अर्बन एरियाज में, तो वो आपके माइग्रेट करते हैं। तो ये एक फ्रेश प्रोड्यूस की वजह से भी आपके अर्बन से रूरल आ सकते हैं। आपके कुछ कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, जैसे कि इम्पोर्टेंट आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो आपके अर्बन से रूरल पर्सन आते हैं, राइट। जो हायर लेवल ऑफ सर्विसेज हैं वो आपकी अर्बन से रूरल पाने के लिए ही वहाँ पर मिलती, क्योंकि वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर लेबर आपके कॉस्ट है, वो लेबर कॉस्ट कम मिलेगी, आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो आपकी कम मिलेगी। कैपिटल कॉस्ट की बात करें, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। लेबर है, लेबर की बात करें तो लेबर आपकी आपकी जो प्राइस है वो कम मिलेगी। आपकी कैपिटल है, कैपिटल यानी कि वहाँ पर जो भी आपकी ज़मीन है वो उसके कॉस्ट भी आपकी कम मिलेगी कंपेरेटिव आपके अर्बन एरियाज में। तो इस तरीके से आपके अर्बन टू रूरल भी माइग्रेशन चलता है। तो ये एक तरीके से ये का पूरा ये आपका रेविंस्टीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन रहता है। इसमें सबसे पहले तो लॉ ऑफ माइग्रेशन 1885 में आया, इसको सम अप कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको हो सके। दूसरा, बर्थ प्लेस डाटा जनरलाइजेशन के थ्रू या फिर उसको जो आपका और ब्रिटेन के जो भी 19th सेंचुरी में जो भी आपकी इंटर कंट्री माइग्रेशन हुआ उसको देखकर ये रेविंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन बनाया गया, ठीक है। जो भी आपके जनरलाइजेशन किए गए वो आज के दिन भी इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात की। तो 3 तरीके से आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपके माइग्रेशन करते हैं। फर्स्ट पे आपका रीजंस होते हैं माइग्रेट करने के लिए, दूसरा आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अगर कम होगा तो माइग्रेशन ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका माइग्रेशन कम होगा। तो ये एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जो भी आपका माइग्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग भी माइग्रेट करते हैं। तो ये आपके कुछ कंडीशंस रहती हैं। ये पॉइंट
पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, एक एक को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास किया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाकर आपके साथ रखा, शेयर किया, तो ये आपको 100% बेनिफिशियल या बेनिफिट मिला होगा। दूसरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ साथ जो भी आपके यहाँ पर आपकी बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने का, और मैं ये मानता हूँ कि आपको इस थ्योरी में कभी भी परेशानी नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो के जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ज्योग्राफी ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है उस पर जाकर आप देख सकते हैं और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ आपके फ्री एस्पेक्ट्स के थ्रू आपके साथ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके यूट्यूब पे या कई आपके जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर नहीं देखने को मिलते, तो इस वजह से कुछ लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, इस वजह से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अगली वीडियो में लिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी होगी ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।